जी जेको टॉपिक सिलेक्ट कयो आहे उहो आहे ब्लॉग ठाहिण जो। ऐं इहो थो चाहियां त तव्हांजो जेको बि तव्हां हिन वक़्तु ताईं प्रैक्टिकल वर्क कयो आहे या हू बि जेको बि तव्हां लिखणु चाहियो था त हिकिड़ी तव्हांजी मुख़्तलिफ़ हंधनि ते ऑनलाइन प्रेज़ेंस हुजे। पाण हू जेका जेको सोशल इशूज़ ते पाण स्लाइड नेट ते जेके तव्हां प्रेज़ेंटेशन रखियूं हुयूं हुन जे ज़रिए थी, ऐं हुन में तव्हां ॿियूं बि शयूं रखी सघो था, प्रेज़ेंटेशन रखी सघो था। ऐं ॿी जेका इहा आहे त तव्हांजा जेके पंहिंजा राइटिंग पीस आहिनि उहे तव्हां इन ते ब्लॉग ते पंहिंजो पंहिंजो ब्लॉग ठाहियो, ऐं उन ते सुठो थींदो त तव्हां हिक ॿिए जा ब्लॉग पढ़ो बि सही, कमेंट बि करियो उन ते ॾाढो पॉज़िटिवली। उन ते पाण ॻाल्हाए था वठूं त कमेंट कीअं कबो आहे, ऐं उन में हिकिड़ो त तव्हां जिते वेंदो त उते चवंदो भई तव्हांजो कहिड़ो कमु कयल आहे, त हिकिड़ो त हूंदो आहे त तव्हां ज़ुबानी कलामी ॿुधाईंदो, ॿियो इहो आहे त भई ठीकु आहे हीउ ब्लॉग आहे जेको तव्हांजे कम जे तौर ते तव्हांजे तजुर्बे जे तौर ते तव्हांखे साम्हूं अची वेंदो। तव्हां मां को बार कंदो आहे ब्लॉग राइट? जी सर, मेरा क्रिएट हुआ है और मैंने अपने राइटिंग पीसेस वहां पे पोस्ट किए हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो बाकी जो लोग हैं उनको एक हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से ये हो। पहली चीज तो ये ज़हन में रखें कि ब्लॉग जो आप बनाते हो तो ये यूनिकोड यानी एमएस वर्ड ये यूज होगा। नॉर्मली हम उर्दू में जब करते हैं तो उसको हम जो है रखते हैं कि भाई इन पेज में, तो इन पेज जो है वो प्रिंट मीडिया का जो पब्लिशिंग वर्क है उसमें इन पेज चलता है, बाकी जो वेबसाइट वगैरह है उस पर जो है एमएस वर्ड चलता। अब आपने अगर इन पेज पर जो भी चीज लिखी है तो उसको आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्टर जो है वो उस पर मौजूद होता है वेबसाइट पर भी, वो मैं आपको फिर बताऊंगा कि वो आप कैसे कन्वर्ट करो, लेकिन फिलहाल हम ब्लॉग पर बात। ब्लॉग बुनियादी तौर पर एक वेबसाइट पर बना हुआ कोई भी पेज या कोई भी वेबसाइट इंटरनेट पर बनी हुई वो होती है, जिसमें कोई भी फर्द या एक छोटा सा ग्रुप वो उस पर अपनी जो तहरीरें लिखता है। ये तहरीरें जो हैं वो इनफॉर्मल उमूमन होती हैं और बहुत ही बाज़ों का जो है एक कंट्रावर्शल मुतनाज़ा स्टाइल से लिखी जाती। यूं समझ लें कि ब्लॉग बुनियादी तौर पर एक जो अखबारी दुनिया में कॉलम लिखा जाता है, तो ये एक कॉलम का नेमुल बदल है जो कि लोग जो है। मसला ये कि अभी जैसे जैसे इल्म बढ़ा, लोगों को लिखने की ये सब चीजें समझ में आई तो उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन प्रिंट मीडिया में, अखबारात में, जराइद में, वहां पर जो है स्पेस कम होता है, तो फिर क्या किया जाए, उसके लिए नेट आ गया। नेट आ गया तो नेट पर जो है इन्होंने एक मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ ब्लॉग की जो डोमेन है, इन्होंने अपने अपने वो बनाए जहाँ पर आप बगैर कोई खर्चा किए हुए ब्लॉग बना सकते हैं, अपनी तहरीरें लिख सकते हैं, वहाँ से आप जिस जिसको भेजना चाहें उनको लिंक भेज सकते हैं, सोशल मीडिया पर लिंक रख सकते हैं। तो ये ब्लॉग का जो है ये एक छोटा सा है, एक जो क्लासिकल जो डेफिनेशन है वो ये है। ब्लॉग की कोई भी एक बंदी टिक्की, कोई भी एक उसका अप्रोच, मयार, या यूं कह लें कि डेफिनेशन, या ये नहीं है जो असल उसमें मसला होता है, वो सिर्फ दो तीन होते हैं। एक तो ये है कि आपने जो सब्जेक्ट लिया है, फिर आपने जो ऑडियंस सिलेक्ट किया वो, फिर तीसरा ये कि आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो, ये कितना इफेक्टिवली आप जो है अक्रॉस कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। अगर आपने ये कर दिया तो समझ लो कि आपका ब्लॉग जो है वो कामयाब है। इसका जो यूजेज है, जो इस्तेमाल है, वो जाती डायरी से लेकर के अपने मजामीन कॉलम लिखने से लेकर के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से लेकर के मार्केटिंग से लेकर के एक पब्लिशिंग के टूल के तौर पर, इसके तौर पर भी ये यूज होता है। वैसे इसकी किस्में बहुत सारी हैं, लेकिन ये जहन में रखो कि ये जितनी भी किस्में उसमें वो उसके तीन जो है बुनियादी तौर पर जो है वो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी ये है कि आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आप लेते हो एजुकेशन है, म्यूजिक है, एक क्या पेंटिंग ले लें, आप कोई भी सब्जेक्ट जैसे होते हैं फूड का जो है वो ले लें, ट्रेवल का ले लें, कोई भी सब्जेक्ट ले लें, ये सब्जेक्ट के हवाले से उसके। दूसरा जो है वो उसके अंदर जो कंटेंट है उस हवाले से भी उसकी कैटेगरी बनती है। तीसरी कैटेगरी जो है वो बनती है कि आपने जो सब्जेक्ट लिया उसके अंदर जो कंटेंट डाला उसको आपने ट्रीटमेंट क्या दिया है, यानी जिसको हम कहते हैं कि भाई ठीक है आप जो है वो मुर्गी भी ले आए, उसके अंदर मसाले भी डाले, ये सब कुछ है, लेकिन ये कि वो कौन सा मसाला, कौन सी चीज़ किस मरहले में कितनी उसमें डाली जाए, ये ट्रीटमेंट है। तो ये ट्रीटमेंट जो है वो पूरे का पूरा उसका जो है
जायका बदल देता है उसके पूरे का पूरा जो है वो उसका जो वो क्या कहते हैं कि आपकी वो डिश को ही तब्दील कर देता है। तो ये बहुत ही इसके तीन चीजें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। ब्लॉग क्रिएट कैसे किया जाए ये बहुत ही वैसे आसान भी है। मेरा ख्याल है कि मैंने ये जो बच्चे हमारे इसमें एडिटर बोर्ड में काम करते रहे और वो बच्चे जिनके हवाले ये हम कहते थे कि भाई इनकी जो बच्चों की जो मेल्स आती हैं असाइनमेंट वो ब्लॉग पर पोस्ट कर दो, सबको मैं जो है उसको फेसबुक पर ही बताता हूँ कि वैसा कर दो वैसा कर दो। बहुत ही ईजी है। आप तकरीबन सबके पास आई होप के जीमेल की आईडी होगी। जीमेल की आपके पास आईडी है तो उस वो आपने जब ओपन की तो उसको जो है अब जैसे मैंने ये ओपन की है मैं आपको बताता हूँ। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये हमारे रोशनी का ही। आप जब अपना जीमेल खोलोगे तो ये जो बिल्कुल राइट साइड पर जहाँ मेरा कर्सर मैं घुमा रहा हूँ यहाँ आपका जो नाम का पहला वर्ड जो आएगा जहाँ जैसे यहाँ पर आर लिखा हुआ है रोशनी का, इसके साथ ये 4, 5, 7, 8, 10 ये कुछ डॉट्स बने हुए हैं ठीक है। आप इसको क्लिक करोगे तो इसमें आपको ये इसके मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी। इसमें गूगल प्ले भी है, अकाउंट भी है, सर्च भी है। तो इसको ब्लागर को आप क्लिक करो। इसको आपने ब्लागर को क्लिक किया तो अब ये यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि पहले से ब्लॉग बने हुए हैं तो इस वजह से आपको ये मिल रहा है, नहीं तो यहाँ पर आपको मैसेज आएगा क्रिएट अ ब्लॉग ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास पहले हमारी आईडी पर ब्लॉग हैं तो यहाँ पर हम जो है यहाँ न्यू ब्लॉग में जाएंगे। वो उसमें कोई खास चीज नहीं है, सिर्फ क्रिएट अ ब्लॉग और न्यू ब्लॉग में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसको मैं न्यू ब्लॉग बनाता हूँ। ये यहाँ पर नाम आपको लिखना है। नाम का ध्यान में रखेंगे, नाम दो तीन तरह से हो सकते हैं। एक तो नाम इस तरह से हो सकता है कि आप अपने नाम पर रखें, लेकिन जो लोग अपने नाम पर रखते हैं जो वो अपने उस फील्ड के जाने पहचाने होते हैं उसके एक आइकन टाइप के होते हैं जिसकी वजह से वो एक चीज जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोग उसको तलाश कर सकते हैं, उस पर वो जा सकते हैं। तो नए जो लिखने वाले हैं वो नॉर्मली अपने नाम पर नहीं लिखते। ये नाम कोई भी ऐसा नाम दिलचस्प सा हो सकता है। बाज नाम बड़े अजीब गरीब होते हैं। मिसाल के तौर पर ये डॉन अखबार है जिनका जो टीवी चैनल भी है, इनकी एक पूरी जो है वो इंटरटेनमेंट का एक है यूट्यूब का और इसका चैनल है, उसका नाम है तीली। अब तीली तो बिल्कुल ही एक अजीब सा नाम है लेकिन है। तो आप यहाँ पर जो भी नाम डालो वो कोई दिलचस्प होना चाहिए, अपने शहर के हिसाब से आप दे सकते हो। आप उसमें सोचो कि उसमें क्या दोगे नॉर्मली तो उस हिसाब से आप बना सकते हो। यहाँ पर हम उसको कुछ भी बना देते हैं कि हम इस पर जो है वो लिख देते हैं कि ये अमरता का ठीक है, अमरता का रोशनी है। चलो हम इसको यूं ले लेते हैं। ये हमने इसका नाम डाला। अब इसमें आप इसको नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट किया तो ये पूछ रहा है कि आपकी आईडी क्या हो। मतलब हमने अगर यहाँ पर रोशनी डाला तो ये हमें बताएगा कि रोशनी जो है वो ये ब्लॉग नहीं है, अवेलेबल नहीं है, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। तो आपको दोबारा इसको चेंज करना पड़ेगा, या तो नाम चेंज करें या इसके साथ जो कुछ और आप चेंज करें। यहाँ पर हम मसलन ये रोशन रोशनी अमरता करते हैं तो इसमें आ सकता है, ये मौजूद है, ये कहता है कि ये अवेलेबल है। इसको हमने सेव कर लिया। अब ये सेव हो गया तो अब यहाँ से आप पोस्ट शुरू कर सकते हैं। ये नहीं, न्यू पोस्ट आपने कुछ भी डाला लिखा। अब ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम ईमेल में ये करते हैं, लेकिन इसमें ईमेल से कुछ ज्यादा है वो है। मतलब यहाँ पर आपने लिखा कोई भी चीज ठीक है, ये लिखा इस ये टाइटल है, मतलब ये जो हम ईमेल में जिस तरह सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं ये हेडिंग का है। यहाँ पर हमने लिखा कि अमरता ने अगर ठट्टे पर लिखा है, कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं, लेकिन नाम जो है ये ऐसा होना चाहिए ये आपके उस जो भी आपकी पोस्ट है, जो भी आपका ब्लॉग है, जो भी आपका आर्टिकल है, फीचर है, जो भी आपका असाइन, उसका आप नाम डालें। ये नाम कैची होना चाहिए, थोड़ा सा कैची, इस तरह से कि देखने वाले पढ़ने वाला जब उस पर उसकी नजर पड़े तो
तो उसको वो पढ़ने की तरफ जाए, ठीक है। ये आपने डाल दिया, उसके बाद आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो कि बाय जो भी लिखो, बाय अमरता हमने लिख दिया, चलो और कुछ भी हमने इसमें हम लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहें, फर्ज करो ये हमने लिख लिया। ये आपने जब किया तो इसको आप हेडलाइन चेंज कर सकते हो, इसके लिए ये जो टी लिखा हुआ है ये इसका फॉन्ट का साइज है, नॉर्मल है, मीडियम है, लार्ज है, लार्जेस्ट है, ठीक है। इसको हम जो है वो नॉर्म, इसको हम रख देते हैं, अमरता के नाम को रख देते हैं, मीडियम रख देते हैं, ठीक है। ये हम इसको जो है हम कर देते हैं लार्ज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम फर्ज करो कि ये हमारे पास कुछ और मैटर अगर होता तो हम इसको ये यहाँ पर लिख सकते थे, इसको हम लार्जेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब आप अगर देखना चाह रहे हो कि ये अपीयर कैसे होगा, तो यहाँ आपके राइट हैंड पर ये पब्लिश का बटन है, इसके साथ है प्रीव्यू, तो इसको आप प्रीव्यू में जा सकते हो। प्रीव्यू में जाओगे तो आपको ये बताएगा कि ये कैसे नजर आएगा, ये आपकी हेडलाइन है, ये आ गया, ये आ गया, तो इसने ये प्रीव्यू में बताया कि इस तरह से है, ठीक है। तो ये प्रीव्यू के बाद जो है अब यहाँ पर आपको इसके पैराग्राफ में भी आप जा सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हो, इसको इटैलिक कर सकते हो, इसको अंडरलाइन कर सकते हो। ये जो है ये ए है, ये आपके फॉन्ट का कलर चेंज कर सकता है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर आप कोई पिक्चर डाल सकते हो, यहाँ से आप पिक्चर उठाई, ये अपलोड करने का निशान है, चूज किया, मेरे पास कोई पिक्चर है नहीं यार, चलो मेरी पिक्चर पड़ी है, ये मैंने उठाई यहाँ पर डाली, ये इसको अपलोड कर रहा है, ये हो जाए तो इसको सिलेक्ट कर दें, ये इस लोकेशन पर आ गई। इस तस्वीर को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये जो दायरा आ रहा है ये वाला, इसको आप करोगे तो ये बताएगा कि तस्वीर छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या ओरिजिनल साइज। हमने इसको कर दिया कि ओरिजिनल साइज पर रख दो भाई, तो ओरिजिनल साइज तस्वीर की ये है। इसको आप घुमा भी सकते हैं, इधर उधर कर भी सकते हैं, ये भी हो सकता है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ ये वाला जो निशान है ये वीडियो का है, इस पर आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो जो है यूट्यूब से भी उसका आप लिंक दे सकते हैं, ठीक है। ये इसका मुख्तन सा वो एक उसका है। ये वाला जो है इसमें आप राइट अलाइन लेफ्ट अलाइन मैटर को कर सकते हैं, मतलब ये अभी इसके जो हमारे पास नाम है ये लेफ्ट अलाइन है, अगर उर्दू सिंधी में हो तो हम इसको राइट अलाइन कर देंगे तो ये राइट पे चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से और इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हम इसको समझते हैं कि एक तो ये पार्ट है, दूसरा ये कि ये जो कमेंट्स का पोर्शन है, कमेंट्स जो है आप इसको किस तरह से करना चाह रहे हो, ये बड़ा अहम है कि कमेंट मॉडरेट करना चाह रहे हो, यानी कमेंट कोई अगर करता है तो आप उसको मॉडरेट करोगे, उसको देखोगे, अप्रूव करोगे तो लगे, या जो है जैसे ही आए वो लगा ले। ये अर्निंग वाला पोर्शन है, इसको छोड़ दें अभी। ये लेआउट है, ये आप इसमें मुख्तलिफ जो लेआउट इसमें वो दिखाएगा कि आप किस तरह से रखना चाह रहे हो, हेडिंग किस तरह से हो, साइड बार किस तरह से हो, वो आप इसको तफसील से जा सकते हो, देख सकते हो। ये थीम है, ये मुख्तलिफ टेम्पलेट्स बने हुए हैं, आप कौन सा वाला सिलेक्ट कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो तो ये सिलेक्ट कर दो, अगर ऐसा कर रहे हो तो ये सिलेक्ट कर दो, ये भी हो सकता है, ये भी डाल सकते हो, कोई भी आप उसमें एक थीम उसमें डाल दो, ठीक है। सेटिंग है, सेटिंग में आपको ये इसका टाइटल, बेसिक क्या है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और इसके आखिर में जो है आप कहाँ पर हो और इसको सर्च इंजन को अलो करो, ये आपको मार्क करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे जो है बहुत सारी चीज़ें इसकी दी हुई हैं, जिसको देख करके आपको ये करना पड़ेगा। सेटिंग में, थीम में, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और जो मज़ेदार चीज़ है जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, ये जो हम नॉर्मली करते हैं, जैसे अब ये है, अब इसमें एक जो है ये है लेबल, लेबल या टैग, लेबल या टैग जो है ये, अगर यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर हम ये डालना चाह रहे हैं कि ये एक ठट्टा के बारे में, ठीक है,
ठट्टा डाला, इसको कामा करो। फिर ये अमरता जो है ये समझ रही है कि ये इसका फीचर है, ठीक है, ये इसने डाल दिया। और ये अगर ये चाहती है कि ये इसमें लिखे कि भाई ये मेरे यूनिवर्सिटी का काम है या यूनिक वर्क कर दो, ठीक है, इसको इसने कामा कर दिया। अब इसने जब इसको पब्लिश करेंगे तो फिर आएगा, ये यहाँ पर पब्लिश का बटन है। आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं कि फिर किसी वक्त आप उसको पब्लिश करें। ये हमने इसको पब्लिश किया, ये इस पर आपको पूछेगा कंफर्म कर रहे हो आप तो, ठीक है। अब ये आ गया, यहाँ पर क्या आया, फीचर, ठट्टा और यूनिवर्क। अब अमरता को जब भी ठट्टे के बारे में जितनी चीज़ें उसने लिखी हैं उसमें उसने टैग लगाया है, इसको ये क्लिक करेगी तो उसको सब चीज़ें आ जाएंगी। फीचर पर करेगी तो उसने जितने फीचर लिखे हैं वो सब आ जाएंगे। अब उसकी मैं मिसाल दूसरी आपको देता हूँ, जैसे हम लोगों ने अभी किया हुआ है, ये एम ए प्रीवियस का है, आपका नहीं है, अब इसमें है। मतलब ये जो नाम लिखा हुआ है ये हमारी बच्ची ने, महक ने किया है, तो इस महक को इसका हमने टैग डाला हुआ है, महक को मैंने क्लिक किया तो महक की जितनी भी चीज़ें सब आ जाएंगी। अब दूसरा हमने इसका टैग लगाया हुआ है ट्रेवलॉग, ट्रेवलॉग को हमने जितनी भी चीज़ें आएँ ये सब ट्रेवलॉग आ जाएंगे, ये सब ट्रेवलॉग है, जितने लोगों ने ट्रेवलॉग लिखे हैं वो सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, सही है। या ये बिलाल मुस्तफ़ा लड़का है, इसने जो चीज़ें लिखी हैं हमने इसको क्लिक किया तो इसका आ जाएगा कि क्या क्या, क्या इसका है, ट्रेवलॉग है तो ट्रेवलॉग आ जाएगा। और इसी तरह से किसी और बच्चे का भी हम देख सकते हैं, ये है इसरा, इसरा को हमने क्लिक किया, इसरा का ट्रेवलॉग है और कोई चीज़ इसकी है नहीं। तो आप जितना भी काम हमें देते हो, हम जो आपसे काम लेते हैं, तो वो पूरे का पूरा यहाँ पर जब अपलोड होता है, हमें जब देखना होता है, तो सिर्फ हम आपके नाम पर क्लिक करते हैं। अब ये कोई बच्चा है वही, इसके दो पीसेज हैं, ये पता चला दो पीसेज हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस पर हम कुछ और भी लिख सकते हैं कि मसलन इस पर हमने लिख दिया कि रेफर बैक है क्या है, तो उसको खोल के हम दे सकते हैं। इसके खोलने का और देखने का जो तरीका है, जब आपने इस तरह से किया तो यहाँ पर जो ये आँख बनी हुई है ये व्यू है, या ये आप ये वाला लिंक जो आया है ये आप भेज सकते हो। अगर आपने ये लिंक नहीं भेजा है, कोई और लिंक भेजा है, तो फिर काम नहीं चलेगा। मसलन आपने अगर इसको ये जिस पर आप काम कर रहे थे ये लिंक भेजा है, तो ये कहेगा कि ये तब तक नहीं खुल सकता जब तक के उसके पास आपके पासवर्ड उसको ना दोगे, तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा जब आप इसको करो, और जब कभी एडिट करना हो तो एडिट किया, इसके बाद यहाँ पर अपडेटेड आपको अपडेट करना पड़ेगा, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पर भी अपडेट का ऑप्शन होता है, ठीक है, ये अपडेट हो गया। अपडेट के बाद आप वापस जा सकते हो, नई पोस्ट के लिए न्यू पोस्ट डाल सकते हो, यहाँ पर आपने नया अगर कोई चीज़ लिखना चाह रहे हो तो आपने ये इसमें कर दिया, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी एक मेहनत का थोड़ा सा काम है, लेकिन है बड़ा मज़ेदार। चलें, इसमें कोई आप बात करना चाहें तो। हाँ सर, मुझे पूछना था। जी जी सर, आपने अभी बताया था कि अगर उर्दू में भी हो तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो नहीं बताया आपने। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, एम बिलाल, और इसका है आप जैसे भी अगर उर्दू इन पेज, तो आपने ये खोला और इस पर आपने लिखा एम बिलाल इन पेज टू यूनिकोड, यानी आपने जो है इसको इन पेज से जो है वर्ड में करना चाह रहे, ये आ गया इन पेज टू यूनिकोड कन्वर्टर, ये आपने किया, ठीक है, ये बन आ गया। अब यहाँ पर आप जो है आपने उस जो इन पेज से आपने जो भी कंपोज किया है वो आप यहाँ पर डालोगे, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इसको जो एम बिलाल करके आप उसको करोगे, यहाँ पर पेस्ट करोगे उसको, और यहाँ पर उसका ये जो सीक्वेंस नंबर आएगा ये डालोगे, क्लिक करोगे, तो इसमें ये सूरत हाल है कि अगर आप इन पेज से यूनिकोड में कर रहे, वर्ड में कर रहे, तो वो यहीं पर ही दिखा देगा, और यहाँ से ही आप कॉपी पेस्ट करके उसको रख सकते हो। और अगर उसको आप जो है वो आपने जो वर्ड में लिखा है उसको अगर इसमें कर रहे हो इन पेज में, तो फिर जो इसकी फाइल जो डाउनलोड करेगा वहाँ से आप कॉपी करोगे, इन पेज खोलोगे, वहाँ पर उसको पेस्ट करोगे। ये चीज़ माइंड रीड के भाई, आपने जो भी काम किया है कन्वर्ट जब करना चाह रहे हो,
तो कन्वर्जन में बस बग्स आते हैं, बस गड़बड़े होती हैं, तो उन गड़बड़ों की वजह से उसको आप दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा, दोबारा आपको देखना पड़ेगा। अब ये अगला जो सेशन आएगा तो उस वक्त मैं आपको इसको दोबारा करके बताऊंगा। सर समझे में अच्छी हुई है सर, जो ब्लॉग जो हाँ कहाँ तो मुझे कंधा रहता है कहाँ के सर मुझे एक बात बताएं, जी बेटा। जैसे आपने बोला था कि हम कंटेंट वाइज भी ब्लॉग बना सकते हैं, तो अगर हम जैसे ट्रेवलॉग अलग मतलब ट्रेवलॉग अगर हम काफी जगहों का सफर करते हैं तो हर जगह का ट्रेवलॉग